प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कोरोना काल में आमजन के लिए किए गए व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे और कहा कि आमजन को इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। औचक निरीक्षण के दौरान सदर सांसद रवि किशन, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, आपके पेंडिंग हम लोग और बाकी सब किधर जिले अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जितने भी सरकारी हमारे अस्पताल हैं उन पर इमरजेंसी सेवाएं को प्रारंभ करने के लिए एक प्रशिक्षण किया गया था कि सुरक्षा सहित अपने आप को मरीज को देखने के लिए डॉक्टर अपना सुरक्षा करने के लिए एक प्रशिक्षण किया गया था। तो उसी को लेके यहाँ देखने हम लोग आए कि इनके इमरजेंसी सेवाएँ और अन्य सेवाएँ ओपीडी को छोड़ के कितना प्रारंभ हो गया, कितने केसेज आए हैं और कैसे देख रहे हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नहीं, खामियां अभी हम उस तरह से नहीं देख रहे हैं, अभी तो हम सेवाएं पहले प्रदान करने के लिए देख रहे हैं कि कोई उसमें कमी ना हो। जो भी प्रोटोकॉल हमने निर्धारित किया है ये यहाँ भी ट्रेनिंग दिया गया और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ट्रेनिंग दे दिया गया है, उनको भी अनुरोध किया गया है कि वो भी अपने अस्पतालों में सेवाएँ प्रदान करें और ओपीडी को बिल्कुल लिमिट करके करें और बाकी सब अपना देखें। हाँ, डायलिसिस बारे में जानकारी हुई है, यहाँ पर कितने बेड हैं? हाँ, 10 बेड रेगुलर चल रही है यहाँ तो पहले से ही। और डिलीवरी भी आपके यहाँ? हाँ, तीन शिफ्ट में यहाँ डायलिसिस चल रही है 10 बेड की। अभी माननीय विधायक जी और कुछ डॉक्टर ने भी कहा है कि यहाँ पर आवश्यकता है कि बेड बढ़ाने के लिए। ये हमारा PPP मॉडल पर चलता है और तीन कंपनी अलग अलग पूरे प्रदेश में 44 जनपदों में ये चला रहे हैं। तो अगले हफ्ते में हम लोग बात करेंगे कितना इसमें यहाँ पर सुविधा अनुसार कितने बेड और बढ़ा सकते हैं और कैसे हम लोग उसको आगे और सुविधा दें, ये हम लोग बात करेंगे।